बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान से मैं हूं और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर अफजल। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भजन, किंग कोहली का योयो टेस्ट आपने देखा है कि उसने, किंग कोहली ने योयो टेस्ट में इस सीरीज में भी आके कितना स्कोर किया, 17.2। और आपका बाबर आजम, जिसका कंपैरिजन करते हो किंग कोहली के साथ, मैं विराट कोहली का फैन नहीं हूँ, एमए नहीं हूँ, ये वजह है जिस वजह से मैं उसका फैन हूँ। क्रिकेट में देख लो, फिटनेस में देख लो, हर जगह देख लो, ऑफ फील्ड देख लो, ऑन फील्ड देख लो, किंग कोहली है बस आपका घंटा। बाबर आजम जो है ना, उसका पेट देखा है? फिटनेस लेवल बाबर आजम की देख लो, उसका पेट देखा कभी आपने? कल पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच था, इधर उसका पेट जा रहा है। ये कप्तान है आपका, लौड़ू कप्तान है ये आपका। अब कंपेरिजन तो बड़ा करते हो उसके साथ जी। बाबर आजम बीट कर गया विराट कोहली को, एल मेरा बीट कर गया उसका इस सेज में, 34 एज में, 33 एज में उसका योयो टेस्ट पता है कितना आया? 17.2। और 2019 में उसका 19 था, 2019 वर्ल्ड कप में उसका पता है कितना था? जब वो आपके बाबर आजम जितना था उसका, तब 19 आया था। फिटनेस लेवल देख लो किंग कोहली का। मैं विराट कोहली का फैन नहीं हूं, मैंने पाकिस्तानी जर्सी के पीछे विराट का नाम लिखवाया हुआ है, मैंने पूरा स्टूडियो अपना विराट कोहली के नाम नहीं बना दिया हुआ, इन वजह से बनाया हुआ है। ये है विराट कोहली, रियल विराट कोहली है। लोग मुझे कहते हैं यार तू पाकिस्तानी है, तुझे बाबर आजम का फैन होना चाहिए, तू विराट कोहली का क्यों फैन है? बाबर आजम को मैल पे भी नहीं रखता, ठीक है, मैं विराट कोहली का फैन हूँ और इन वजह से फैन हूँ। अब यार मेरी बात सुनो, अब क्रिकेट खेल रहे हो, ऑन फील्ड देख लो, ऑफ द फील्ड देख लो, एक ही नाम बजता है हर जगह पे, विराट कोहली। और जो क्रिकेट का फैन है ना, चाहे वो पाकिस्तानी है कोई, या चाहे वो कोई भी किसी भी जगह से तल्लक रखता है, वो अगर विराट कोहली का फैन नहीं ना, तो मैं उसे क्रिकेट का फैन नहीं मानता। जो रियल क्रिकेट फैन होते हैं ना, एक तो होते ना जो चीजा लेने आते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो रियल क्रिकेट फैन होते हैं ना, जो रियल, वो विराट कोहली के फैन होते हैं, क्योंकि उन्होंने विराट कोहली की अचीवमेंट देखी हुई है। ये जितनी भी पीछे विराट कोहली की तस्वीरें लगी हुई हैं, इनमें किसी भी जगह के ऊपर आप विराट कोहली का, मतलब लगता है ये बंदा 30 से ऊपर वाला है, लगता है अभी 22-23 साल का लड़का है। फिटनेस लेवल उस बंदे का देख लो यार, और ये आपके बाबर आजम का देख लो, ये बाबर आजम का फिटनेस लेवल जरा देखना, ये वाला, ये देखना जरा, मतलब यार उस बंदे का पेट देखो, पेट देखो उस बंदे का किधर जा रहा होता है। और ये नहीं बोलना जी बाबर आजम साहब, अच्छा कुछ इतने कुछ चूतिए इंसान है, कुछ इतने कुछ यक बंदे हैं, वो कहते हैं कि जी बाबर आजम ज्यादा हैंडसम है विराट कोहली से, मतलब बाबर आजम बड़ा हैंडसम है। बाबर आजम की शक्ल और विराट कोहली की शक्ल जरा मिला लिया करो, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन कितना हैंडसम है, ठीक है। विराट कोहली, उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि अगर मेरी किसी दिन क्रिकेट की प्रैक्टिस रह जाए ना, मुझे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर मेरी जिम छूट जाए, मेरी फिटनेस में मसले आ जाए, तो फिर मेरे मुझे नींद नहीं आती, मुझे गुस्सा आता है खुद पे। एमए विराट कोहली, उसकी अभी भी फील्डिंग देखा करो, कैचेस देखा करो विराट कोहली के, अभी भी विराट कोहली का वो अग्रेशन देखा करो कि यार इस एज में आके, 33-34 साल की जो एज होती है ना, इसमें आके क्रिकेटर जो है ना, वो बस कहते हैं यार किसी तरह ना बस मैं प्लेइंग 11 में आ जाऊं, या बस कुछ ना कुछ करके, क्योंकि उसको पता है यार मोस्टली क्रिकेटर तो 34-35 के होकर रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि उनसे भागने ही नहीं होता। बाबर आजम का इस एज में बाबर आजम का किंग कोहली के साथ कंपेरिजन करो ना, फिटनेस लेवल में भी वो 28 का है, किंग कोहली देख लो 33-34 का है। आप उसमें देख लो कि विराट कोहली इस एज में भी बाबर आजम से फिटनेस में आ गया। क्यों? अपने पे काम करता है, वो जिम में वक्त गुजारता है भाईजान। ये वजह है जिस वजह से पाकिस्तान में मैं विराट कोहली का फैन हूं। बैटिंग तो उसकी आउट क्लास है ही है ना, लेकिन फिटनेस लेवल की वजह से वो इस अचीवमेंट को इस जगह पे आया होगा, इतना कुछ उसने अचीव किया हुआ है। हैंडसम है बंदा, लेवल है विराट कोहली का। फिर मुझे लोग कुछ आगे घंटे, कुछ पाकिस्तानी घंटे नीचे आके बाबर के बच्चे जो हैं वो बाबर सांस नीचे करते हैं, बाबर किंग है, बाबर किंग है, बाबर। देखो अपने मुंह मियां मिठू बनने का कोई फायदा नहीं होता। पाकिस्तान में जो रियल फैन है ना, विराट कोहली को किंग मानते हैं। मैं पाकिस्तानी हूं ना, अगर कोई इंडियन बोले विराट कोहली किंग है, किंग तो है, लेकिन वो अपने मुंह मियां मिठू बनने की बात है। लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी बोल रहा है कि विराट कोहली किंग है, तो इसका मतलब है के चीज है, लेवल है। इंडियन मैन नहीं, कभी किसी इंडियन को सुना, पाकिस्तानी नहीं बोलते बाबर आजम को किंग, तो वो को 4-5 हैं जिन्होंने 2019 से क्रिकेट देखना शुरू की हुई है। भाई जान आपने विराट कोहली का प्राइम नहीं देखा हुआ, आपने विराट कोहली की क्लास नहीं देखी हुई,
17.2 बाबर आजम का बोलना, वो तो यो यो टेस्ट में लेता पास ही नहीं करता होता। ओदा जिस तरह ढेडे जो भी हालत है फिटनेस लैवल है वो माशाल्लाह ऐ लग रहा है पता नहीं 40 साल का है। तब इतने इस लेवल में आके भी आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अभी कुछ घंटे होंगे नीचे बकवास करेंगे, मेरे एल को भी नहीं परवाह, मेरे घंटे को भी नहीं परवाह, लेकिन आप लोग किंग कोहली का जो जो फैन है ना मेरी तरह, वो नीचे कमेंट बॉक्स भर दे, लिखो विराट कोहली की कमेंट, 5-6 कमेंट कर दो विराट कोहली के, ठीक है? क्योंकि किंग कोहली की फिटनेस लेवल में भी बाबर आजम पास पास भी नहीं आ रहा, पास पास भी नहीं आ रहा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत हर एक आपसे मिलता है नेक्स्ट शो में, और सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। इस एशिया कप के एंड के ऊपर हमने 100K तक तो कम से कम जाना ही जाना है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।